हेलो गाइस, स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टिप्स एंड व्लॉग में। तो आप लोगों ने तो बेसन के पकौड़ी बहुत खाए होंगे, लेकिन मैदे के पकौड़ी आप लोग ने कभी नहीं खाए होंगे। आज आप लोग के साथ मैदे का पकौड़ी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि देखने से ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये हम साउथ इंडियन पकौड़ी बना के दिखाएँगे। तो देखिए, एक हम तोड़ के दिखाते हैं, एकदम चीज़ के तरह पकौड़ी बन के तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो मेरे तरीका से एक बार ये पकौड़ी ज़रूर बनाइएगा। ये पकौड़ी बनाने के लिए बहुत कम सामग्री लगता है, तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ इंडियन पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ये हमने एक कटोरी मैदा लिए हैं, 150 ग्राम के लगभग मैदा है। तो हम बहुत आसान तरीक़ा से आप लोग का बना के दिखाएंगे। ये घर के जमाया हुआ फ्रेश दही है। सबसे पहले हम घोर बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक मीडियम बाउल लिए हैं। स्पून से नाप के डालेंगे कि आप लोग का बनाने में आसानी हो। तो देखिए, हम 4 स्पून मैदा लिए हैं। जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हम दही डालेंगे। 4 स्पून हमने मैदा लिया है, 4 स्पून दही डालेंगे। खट्टा हो तो उसके जगह पे 3 स्पून डाल सकते हैं। हमारा दही खट्टा नहीं है, इसलिए हम 4 स्पून डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथ से मसाल के इस तरह से डालने से अजवाइन में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से हम मसाल के डालेंगे। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। सभी को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के घोर बनाएंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के बढ़िया से घोर बना लेना है। थोड़ा सा और पानी हमारा कम लग रहा है, 1 चम्मच के लगभग और डाल लेते हैं इसमें। घोर बनाते समय पे लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए हमारा कितना बढ़िया घोर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम 4 घंटा के लिए ढक कर रख देंगे। कम बेसी होगा पानी तो बाद में डलाएगा। 4 घंटा बाद हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो देखिए हमारा 4 घंटा का लगभग हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक हम बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तीखा खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। बारीक कटी हुई ग्रीन धनिया डालेंगे। सारे मसाला डाल के हम बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम पकौड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैदा का पकौड़ी बनाइएगा तो 4-5 घंटा के लिए ज़रूर रख दीजिएगा कि हमारा खमीर आता है, तभी पकौड़ी बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। तो देखिए हमारा थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है, तो हम 1 चम्मच का लगभग और डाल के मिला लेंगे। पकौड़ी लायक वेटर एकदम परफेक्ट तैयार है। कढ़ाई बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों के जगह पे आप रिफाइन तेल में बना सकते हैं। थोड़ा सा पकौड़ी डाल के चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म है। तो हाथ में हम इस तरह से पानी लगाएंगे, उसके बाद हम छोटा छोटा इस तरह से तेल में डालते जाएंगे।
देखिए हम इतना छोटा छोटा डाल रहे हैं, तेल में जाते ही कितना बड़ा हो जाएगा। तेल में पकौड़ी डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए हमारा 1 मिनट के लगभग हो गया है, इतना छोटा डाले थे कितना बड़ा बड़ा पकौड़ी हमारा हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। गैस के फ्लेम अप डाउन करके छान लेना है। तो देखिए हमारा 5 मिनट के लगभग हुआ है और 1 मिनट के लगभग पकाएंगे, इसके बाद हमारा पकौड़ी बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारा 1 मिनट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। सारे पकौड़ी को इसी तरह से छान लेना है। तो लीजिए हमारा टेस्टी चटपटी साउथ इंडियन पकौड़ी बनके तैयार हो गया है। तो आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। ऐसी टेस्टी और चटपटी रेसिपी देखने के लिए लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए हमारा कितना टेस्टी पकौड़ी बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से साउथ इंडियन पकौड़ी बनाइए, खाइए, हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा रेसिपी कैसा लगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।